To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. I am Asutosh Acharya Saraswati Vidya Mandir Ring Band Sitamarhi. Welcome class. Good morning, bhaiya bahan. You will have written and learned the properties of multiplication of integers. आशा करता हूँ कि आप जो मैं properties of multiplication of integers दिया था उसे आप लिख लिए होंगे और याद भी कर चुके होंगे. अब today's we have to solve the questions of exercise 1.3. Question first. Find each of the following products. जो दिया हुआ नंबर है उसका प्रोडक्ट हमको निकालना है. अब जानते हैं हेयर क्वेश्चन इज 3 × -1. 3 × -1 therefore 3 × 1 इज इक्वल टू 3. वी नो दैट प्लस इज इक्वल टू प्लस, -× - इज इक्वल टू प्लस, +× - इज इक्वल टू माइनस, -× + इज इक्वल टू माइनस. यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले भी लिख चुके हैं, आपको याद भी हो ही गया होगा. हेयर प्लस एंड हेयर माइनस. सो the product of plus and minus, plus multiply minus is equal to minus. Therefore, before 3, we write minus. So, the product of 3 and -1 is equal to -3. This is the solution. Next question, question number C. -21 × -30. Here minus into minus. We see that -into- is equal to plus. So -into- plus or 21 × 30. 21 × 3 = 63. आप जानते हैं 63 और 10 है इसलिए 10 630. और चूंकि माइनस में माइनस से जब मल्टीप्लाई किए तो होता है प्लस, इसलिए प्लस यहां देने की आवश्यकता नहीं है, आप नहीं दे सकते. सो द प्रोडक्ट ऑफ -21 and -30 इज इक्वल टू 630. दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई. -15 × 0 × -18. We have learnt the properties of multiplication. Any number is multiplied by 0, we get 0. So the product of -15 and 0 is equal to 0. Therefore, -15 × 0 × -18 or 0 × -18. 0 × -18. Again, the product of 0 and any number is 0. Therefore, the product of 0 and -18 is equal to 0. So, here the product of any number where 0 is present, the product of those integers is 0. कितना भी हमको नंबर दिया हुआ है, इंटीजर्स दिया हुआ है, इसमें यदि कोई भी एक जीरो अगर मल्टीप्लाई के रूप में हमको है, उसका प्रोडक्ट निश्चित रूप से जीरो ही होगा. आपने देखा -15 × 0 × -18 इज इक्वल टू 0. अगर 100 भी इंटीजर्स है उसमें कहीं मल्टीप्लाई जीरो अगर है तो उसका प्रोडक्ट जो होगा जीरो ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एच. -18 × -5 × -4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक टू इंटीजर्स,
minus 18 into minus 5 multiply minus 4 minus into minus plus, therefore 18 5 ja 90 okay 90 multiply minus 4 plus into minus is equal to minus, therefore minus or 94 ja 360. So the product of those integers is equal to minus 360. Answer solution ho gaya. Next question. Verify the following. 18 multiply 7 plus minus 3 is equal to 18 multiply 7 plus 18 into minus 3. Solution. LHS. Left hand side. 18 into 7 plus minus 3. 18 ब्रैकेट का काम करते हैं 7 प्लस इनटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, देयरफॉर 7 माइनस 3 और 18 इनटू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 18 इनटू 4 इज इक्वल टू 72. अगेन RHS इज इक्वल टू 18 इनटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3, 18 7 जा आपको याद ही होगा 126 होता है, तो 126 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, देयरफॉर 18 3 जा 54 और यहां लग जाएगा माइनस माइनस 54. 126 प्लस इनटू माइनस माइनस 54. अब 126 में से 54 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और यहां 2 हुआ नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ 12, 12 में से 5 किए 7. हियर द वैल्यू ऑफ LHS इज इक्वल टू 72 एंड द वैल्यू ऑफ RHS इज इक्वल टू 72. देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS. Thus, 18 into 7 plus minus 3 is equal to 18 multiply 7 plus 18 multiply minus 3 verified, proved. आपने देखा दोनों का वैल्यू इक्वल आया और आपको याद ही होगा यह कौन सा प्रॉपर्टीज के तहत होता है. आपने देखा था कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. क्या प्रॉपर्टी है आपको ध्यान में होगा, आपको स्मरण करना चाहिए क्या हो सकता है, यह आपके लिए क्वेश्चन है. अगर आप इसका प्रॉपर्टी को याद कर लिए होंगे और अगर आप सही सही आकलन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से जो आप प्रॉपर्टी याद किए हैं तो एक बार पुनः देख लेंगे. फॉर एनी इंटीजर, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज माइनस वन इंटू ए इक्वल टू. सॉल्यूशन है फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी नंबर यदि ए है उसके लिए कहता है कि व्हाट इज माइनस वन इंटू ए. अब माइनस वन इंटू ए आप जानते हैं वन इंटू ए से पहले हम पढ़े हैं कि किसी भी नंबर में अगर वन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वह ए होता है, पढ़े अभी प्रॉपर्टीज में. और आपने यह भी देखा है कि माइनस इंटू प्लस, माइनस में यदि हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह माइनस होता है, अर्थात माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस. देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए. जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आप देखते हैं माइनस वन इंटू सेवन इज इक्वल टू वन इंटू सेवन, सेवन या माइनस लग गया. माइनस वन इंटू हंड्रेड
-100। कहने का अर्थ है कि -1 में यदि किसी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वह जो नंबर है उस नंबर से पहले भी माइनस लग जाता है। जैसे आपने देखा -1 × 7 -7, -1 × 100 -100, तो आपका सॉल्यूशन यही है -A। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 5 तो स्टार्ट करना है -1 to 5। राइट वेरियस प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट को लिखना है शोइंग सेम पैटर्न टू शो -1 × -1 = 1। हमको शो करना है कि -1 और 1 का जो प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, तो 1 होगा। जरा इस पर हम लोग ध्यान देंगे। अब -1, अभी आपने देखा सॉल्यूशन ऑफ 4 -1 × 5। अभी हम लोगों ने देखा है कि -1 × 1 × a = -a, देयरफोर -1 × 5 = -5। -1 × 6 = -6, -1 × 7 = -7। -1 में जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर के ठीक पहले जस्ट बिफोर माइनस लग जाता है। -1 × 8 -8, देयरफोर -1 × 1 = -1, एंड -1 × -1 -1 × -1। अब माइनस लग रहा है और नंबर क्या है, -1 है, देयरफोर -(-1) और -(-), -(-) = +, देयरफोर -(-) वेरीफाइड, या इसको प्रूव्ड कहा जाए, सोल्ड कहा जाए, यही स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सू टेबल प्रॉपर्टीज। लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सू टेबल, तो सू टेबल प्रॉपर्टीज है उसका उपयोग करके आपको बनाना है। कभी कभी होता है क्या कि हमारे कुछ भैया इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को ऐड कर दीजिए और आप जो आंसर मिलाएंगे तो मिल जाता है, लेकिन वैसा करना नहीं है। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सू टेबल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का उपयोग करके बनाना है। हियर वी सी दैट -48 इज कॉमन, सो वी कॉमन -48 (26) + अब बच्चा -48 ले चुके हैं दोनों में, तो यह -48 ले लिए, शेष रहा 26, ये जो साइन है प्लस प्लस रहेगा और अगला जो है वह -36। अब -48 (26) और आपने देखा है कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -36। अब -48 (26 - 36) पता है वन साइन अगर पॉजिटिव हो और वन नेगेटिव हो तो हमेशा हम डिफरेंस निकालते हैं, बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो ग्रेटर नंबर है इसमें से जो स्मॉलर नंबर है सो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अर्थात 36 - 36 = 10, और जो बड़े नंबर जो ग्रेटर नंबर है उसके पहले जो साइन होता है साइन डाल देते हैं, अर्थात 26 - 36 = -10। अब -(-) = +, एंड 48 × 10 = 480, अर्थात माइनस से माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो गए, यहाँ कोई साइन -(-) = +, यहाँ प्लस साइन देते नहीं है इसलिए यहाँ छुपा हुआ प्लस रहता है, इसलिए 480 आ गया, यही सॉल्यूशन हो गया आपका। इसमें फिर से एक बार देख लीजिए, 26 × -48 +-48 × -36, जो दोनों में कॉमन है मैंने कॉमन ले लिया -48 × अब जो 48 ले लिए उसके बाद क्या बचा, जो रेस्ट है 26, यहाँ साइन है प्लस का और यह जो नेक्स्ट है
और इंटीजर जो है माइनस 36 माइनस 48 मल्टीप्लाई 26 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 36 26 में से 36 सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस 10 माइनस 48 इंटू माइनस 10 दोनों का प्रोडक्ट निकाले, चूंकि दो जो अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव होता है, पता है 48 में अगर 10 से मल्टीप्लाई किए तो 480 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, माइनस 41 इंटू 102। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कह सकते हैं, कुछ लोग वैसे भी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग को नहीं करना है, इसमें प्रॉपर्टी लगाना है। इसमें हम लोग माइनस 41 इंटू 100 प्लस 2, 100 को अलग कर दिए, 102 को 100 प्लस 2। अब इस माइनस 41 में इस 100 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 41 इंटू 100 और प्लस माइनस 41 इंटू 2 माइनस 40 माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 41 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4100 और प्लस माइनस 41 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता है तो माइनस 82। अब माइनस 4100 प्लस माइनस 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 82। अब दोनों साइन माइनस है, या तो दोनों प्लस होता है फिर भी ऐड करते हैं, दोनों माइनस होता है फिर भी ऐड करते हैं, देयरफॉर 4182 को ऐड करेंगे, सम निकालेंगे तो 4182, और चूंकि दोनों साइन माइनस है इसलिए हम माइनस हो जाएगा माइनस 2। तो यह भी आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, इसको हम इस प्रकार प्रॉपर्टीज के अनुसार हम निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर जी, माइनस 17 इंटू माइनस 29। अब माइनस 17 इंटू माइनस 29 है, इसको हम लिखते हैं माइनस 30 प्लस 1। माइनस 30 में अगर 1 ऐड करते हैं तो वह माइनस 29 के बराबर हो जाता है। फिर जैसा आप इसको बनाए क्वेश्चन नंबर डी को, इसी प्रकार बढ़ेंगे। अब माइनस 70 माइनस 17 इंटू माइनस 30 प्लस माइनस 17 इंटू 1। अब माइनस से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस होता है, 17 थ्री जा 51 और चूंकि 10 है इसलिए 510, माइनस माइनस प्लस है इसलिए यहाँ कोई साइन देते नहीं है, प्लस छुपा हुआ रहता है तो 510 हो गया। फिर प्लस और माइनस 17 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस में प्लस माइनस यहाँ है, यहाँ छुपा हुआ 1 है वो प्लस है, इसलिए माइनस में जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है अर्थात माइनस 17 हो जाएगा। अब 510 प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस 17। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, 510 माइनस 17, जीरो से 7 आप नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, यहाँ से लिए तो 10 में से 7 घटाए तो 3, यहाँ हो गया 0, 10 आ गया, 10 में से 1 घटाए 9 हो गया, यहाँ हो गया 493। अब कभी कभी होता क्या सा है, तो सब्ट्रैक्ट हम बनाते हैं तो गलत भी हो जाता है, जरा इसको चेक कर लेना चाहिए। जैसे 493 हमारा आया और सब्ट्रैक्ट करना था 17, इसको आप ऐड कर दीजिए तो 7 और 3 10, 9 1 10 1 11 415, इसको अवश्य चेक कर लेना चाहिए। अगर नहीं चेक करते हैं तो कभी कभी मिस होता है, किसी किसी भैया बहनों से 8 भी लिखा जाता, 483 नहीं होता है तो यहाँ जो 5 रहता है वह भी 5 लिखा जाता है, तो एक बार हमको चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एच, माइनस 57 इंटू माइनस 19 प्लस 57। अब देख रहे हैं यहाँ 57 है, माइनस 57 है या 57 है, तो जो पहला है माइनस 57 में माइनस 57 कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने के बाद यह मान लीजिए यह ले लिए तो यहाँ बचा माइनस 19 माइनस 19। अब माइनस 57 हम कॉमन ले लिए हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस में से अगर माइनस ले लेते हैं, क्योंकि प्लस इज इक्वल टू दरअसल में होता है माइनस इंटू माइनस, तो 1 माइनस अगर मैं ले लिया तो बचा क्या, 1 माइनस बचा, इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे माइनस। और 57 तो 57 ले ही चुका है,
57 से डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा -1, यहां हो जाएगा -1। अब -57 इंटू -19 -1। अब आइए -57 इंटू -20। अब चूंकि यहां माइनस और माइनस है, दोनों को ऐड करेंगे, सेम साइन में ऐड करते हैं, तो 19 और 120, और चूंकि उसके पहले साइन है माइनस का, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। और आपको पता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस में जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन प्लस होता है, तो प्लस, और 57 टू जा होता है 114, और यहाँ होता है 0, और माइनस से गुना करते हैं तो प्लस। जरा इसको भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे 57 है और मल्टीप्लाई 20 है, तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 0 0, 27 जा 14, 25 जा 10, 10 और 1 11, 0 4 1 1। यह सही है या गलत, इसकी भी जांच आप कर सकते हैं। फर्स्ट जो है उसको ऐड करते हैं, 5 और 7 12 लिखे 1 2 3, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 होता है, यहाँ 2 हो गया, 3 2 जा 6 और 1 1 2 2 4 6, यहाँ भी 6 आ गया। ऊपर नीचे जब मिलता है इसको माना जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वह सही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट ऊपर नीचे तो मिल रहा है लेकिन गलतियाँ हो जाती है। जैसे मान लिया जाए यहाँ 4 हुआ ऐड करने पर, अगर यहाँ कोई बच्चा 3 कर दे या मैं ही 3 कर दूँ और यहाँ 2 कर दूँ, तो दोनों का प्रोडक्ट 6 होगा, हमारा प्रोडक्ट गलत होगा लेकिन यह सही कहता रहता है। इसलिए इसको बारीकी से चेक करना चाहिए, अगर आप बनाए हैं तो जरा ठीक से कर लेना चाहिए। अब HW, सॉल्व एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। थैंक्स, सेस नेक्स्ट वीडियोज में।